दोस्तों, मैं पंकज जवानिया आज वीडियो में आपके लिए एक अल्टरनेटर लाए हैं और अल्टरनेटर की वीडियो ही गिरते हम ज़्यादातर। इसमें एक फॉल्ट आ रहा है कि काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि जनरेटर वोल्टेज तो बना रहा है पर लोड नहीं ले रहा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर के डायोड हैं, ऊपर के जो चार डायोड हैं, ये इनकी ही दिक्कत होती है क्योंकि बड़ी वाली जो फील्ड होती है वो इससे कनेक्ट रहती है जो हमारा करंट बनाती है। तो ये करंट बनाती है तो वो ये काम करती है, तो चार डायोड ऊपर के जो है करंट बनाते हैं, करंट बनाने का काम करते हैं। तो जैसे कई बार ये डायोड उड़ जाते हैं तो उसकी वजह से करंट नहीं बनाते हैं, तो और कई बार हम डायोड उड़ जाते हैं तो उन्हें डायोड को लगा देते हैं उसी तरीके से, पर ये ध्यान से निकल जाता है कि ये किस तरीके से लगे हैं, नहीं देख पाते। और ये वाले डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड का काम है लोड लेने का, ठीक है जी। तो जो ये वाले डायोड होते हैं ये हमारे जो लोड का काम होता है, जैसे कि वोल्टेज तो बना रहा है 220 पर लोड डालने पे वोल्टेज गायब हो गए, मतलब बल्ब जलना बंद हो गया है। कोई भी चीज़ चलाते हैं जैसे मोटर, पंखा, कुछ भी चलाते हैं तो जनरेटर चलता नहीं है, और चलता तो है, स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरेटर फ्री हो जाता है और करंट देना बंद कर देता है। तो यहाँ से ये इस वाले की कमी होती है, ठीक है जी। तो इस वाले में एक भी डायोड कोई शॉर्ट हो गया, मतलब कि ख़राब हो गया, फूक गया, तो वो इस तरह की दिक्कत सामने लाएगा। या इसमें से कोई डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, तो मतलब एक फूट गया है तो वो काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, फूटा हुआ दिखाई देगा, पर इनमें से बीच में से दिखाई नहीं देता कि कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं, तो ये समझ में नहीं आता। कोई तार टूट जाता है अंदर से तो भी ऐसी दिक्कत करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ स्लिपलिंग है, स्लिपलिंग से दो तार ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर यहाँ से दो तार लेके और बारीक वाले दो तार लेके उन दोनों को ब्रिज रेक्टिफायर ऊपर जो चार डायोड का होता है उसमें लगा के आप करंट चेक कर सकते हो और कितने वोल्टेज बना रहा है जब आपका करंट जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा। तो ये ध्यान रखें, आप कहते हैं कि शिकायत में जी जनरेटर करंट नहीं निकाल रहा, तो जो कार्बन कैंची वाले के नीचे आ रहे होते हैं उन दोनों को नीचे से स्ट्रिप में से खोल के आपस में शॉर्ट कर दो और ऊपर से वोल्टेज चेक करो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्यों, स्ट्रिपलिंग पहले ये आर्मेचर करंट बनाता है, आर्मेचर करंट बनाने के बाद ऊपर देता है डायोडों को और डायोड आगे फील्ड को देते हैं जब जाके हमारा अल्टरनेटर करंट निकालता है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा अल्टरनेटर करंट निकालता है, ये आप देख सकते हैं। तो यही चार डायोड जो हैं इसमें आपको इस तरीके से लगाने हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बना के लगाने हैं, नीचे से बारीक वाले दो माइनस प्लस में लगाने हैं और जो दो हैं वो आर्मेचर के आते हैं, आर्मेचर पे ही हमें बल्ब लगाना है, जो आर्मेचर के तार जो ब्रिज रेक्टिफायर में लग रहे हैं उन्हीं पे ही बल्ब लगाना है और चेक करना है वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हमें वोल्टेज चेक करने हैं आर्मेचर पे कि कितने आ रहे हैं, ठीक है जी। वीडियो देखने धन्यवाद, जो कमेंट ज़्यादा आ रहे थे इस पर हमने वीडियो बनाई, ठीक है, ओके जी।